दसरा व दीपोत्सवाची दिवाळी साजरी करण्यासाठी नवीन खादी वस्त्राच्या फ्रेश स्टॉकने सज्ज खादी वस्त्र विश्वातील आपला मित्र खादी उत्सव महासेल स्पेशल दसरा दिवाळी निमित्त भव्य प्रदर्शन एकाच छताखाली भरपूर व्हेरायटी उत्तम क्वालिटी सोबत सर्वात कमी दरात उपलब्ध फक्त काहीच दिवसांकरिता तर लवकरात लवकर भेट द्या खादी उत्सव महासेल पत्ता प्रियदर्शनी सभागृह नागपूर रोड पाण्याच्या टाकीजवळ पोस्ट ऑफिसच्या समोर चंद्रपूर संपर्क क्रमांक 9356288255 अब खबर है चिमूर तहसील से जहां तहसील के खापरी पिंजारी गांव के किसान के खेत में बिजली का पोल टूटकर गिरने से किसानों के फसलों का भारी पैमाने पर नुकसान होने का मामला प्रकाश में आया है। चिमूर तहसील के अंतिम छोर पर खापरी पिंजारी गांव है और यहां के सभी शासकीय कार्य शेगांव तथा वोरा तहसील में आते हैं। खापरी पिंजारी के किसान लक्ष्मण नत्थू जी बारेकर की खेत जमीन यह खापरी गांव से लगभग 1 किलोमीटर के अंतर पर है और इस किसान के पास लगभग 12 एकड़ खेत जमीन है और खेत में धान तुअर सोयाबीन कपास चना गेहूँ इत्यादि फसल हर वर्ष लगाते हैं मगर मार्च अप्रैल महीने से खेत में विद्युत वितरण कंपनी के पोल टूटकर गिरने से खेत के आसपास स्थित लगभग 6-8 किसानों की फसल नष्ट हो गई है जिसके संबंध में किसान लक्ष्मण बारेकर ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी वर्रा तथा शेगांव को सूचना भी दी मगर अभी तक एमएससी विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है तो सुनिए इस संबंध में किसान लक्ष्मण बारेकर ने सिटी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि बालू सात पुते को क्या जानकारी दी। माझा पूर्ण नाव लक्ष्मण नत्थूजी बारेकर यांच्या शेतातील विद्युत पोल पडून असल्यामुळे मी वोर्रा एमएससीबीला अर्जाद्वारे माहिती देऊनसुद्धा फोनद्वारे माहिती केलेली आहे तरी पण अजूनही लाईन उपलब्ध केलेली नाही तरी ठेकेदारांना सुद्धा माहिती दिलेली आहे पोल अजून उभे केलेले नाही तरी पण माझ्या धानाची नुकसान झालेली आहे। एमएससीबी की लापरवाही से किसानों पर आर्थिक संकट आ पड़ा है और आगे खेत में चना गेहूं लहसुन प्याज की फसल लगाना है मगर बिजली के कारण खेत में पानी न होने से आगे की खेती किसान नहीं कर सकते जिसके चलते खेत की लाइन विद्युत वितरण कंपनी ने ध्यान देकर तत्काल जोड़कर शुरू करने की मांग की गई है और वही किसानों द्वारा फसल की नुकसान के संबंध में भरपाई देने की भी मांग की गई है। सी टीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।